फ्रोन है आज के विजेता। अल्ट्रासोनिक वेव आक्रमण। और फ्रोन के लिए ये एक शानदार जीत है। क्या बाजी मारी मेरे दोस्त। मिलियन, इसे खत्म कर दो। आइस बर्ड। लकी और फ्रोन ने तो खिताब अपने नाम कर ही लिया है। इसे कहते हैं बर्फ के शहजादे लकी का कमाल। लकी की जीत हुई पक्की। अरे लकी, पता है वो तुमसे अभी नफरत करता है। तुम्हारे अगले मैच में यही है ना, क्या तुम इसे जानते हो? काफी दिनों बाद मिले लकी। तैयार रहना, अगले मैच में तुम्हें मसल दूंगा, ये मेरा वादा है। हे सुनो, कोई तुमसे बात करे तो तुम ऐसे पेश आते हो? मैं तुम्हें बात करने की तमीज सिखाऊं क्या? आयशा, रहने दो। ऐ, वहीं रुक जाओ। तुम रुक। आज भी ये बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या वाकई ऐसा है? अरे दोस्तों सुनो सुनो, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ये है एक बेहतरीन ब्लिंग ब्लिंग पिज्जा का मुफ्त कूपन। ये बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। कौन चलेगा मेरे साथ? मैं मुझे मैं। मुझे ले चलो। सैम, तुम नहीं आ रहे हो क्या? हाँ? सैम, तुम आ रहे हो या नहीं? क्या तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तो क्या ये वो कूपन है? हाँ, इसकी तारीख तो निकल चुकी। ओ हाँ, ये तो कल तक का था। हाँ? हाँ? तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। पिज्जा, मेरा प्यारा पिज्जा ऐसे ही चला गया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। इसे वाकई में सदमा लगा है। हे बच्चों, मैं सभी के लिए मुफ्त के पिज्जा कूपन लाया हूँ, जाना चाहोगे? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा। मैं भी। मुझे भी। ठीक है, अच्छा ये चार लोगों के लिए है, तुम सभी जा सकते हो। बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। क्या लाजवाब खुशबू है। पिज्जा जल्दी से आ जाओ, इतनी भूख लगी है कि चक्कर आ रहे हैं। पर ऑर्डर को सिर्फ एक मिनट ही हुआ है। लग रहा है एक घंटा हो गया। भूख से मर रहा हूँ। हाँ, तुम मेरी भी भूख बढ़ा रहे हो, अब पेट में चूहे दौड़ने लगे। सैम, हम बाहर पिज्जा खाने आए हैं, तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या किसी बात से परेशान हो? नहीं कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात सोच रहा हूँ। मुझे बताओ, कहीं ये लकी की वजह से तो नहीं? लकी? वो सैम से रूखा बर्ताव भी कर रहा था, देखा था ना? एक वक्त सैम और वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। सुना है छेड़खानियों के कारण उसको दूर भेज दिया था, लेकिन उसे लगता है उनके पीछे सैम का हाथ है, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं। क्या? ये सही नहीं है, सैम ऐसा कभी नहीं कर सकता। जो भी हो, शुरुआत इस कहानी से हुई थी।
ऐसा मत करो, सनी को चोट लग जाएगी, इसे वापस दो। अरे वो बाहर वाले के साथ खेलने के लिए हमारा शुक्रिया कहना चाहिए क्या? बहुत हुआ, अब बस भी करो, बंद करो अब। सनी तुम कहाँ हो? नहीं सनी, सनी किसने किया ये? सैम इस लड़के के साथ ज्यादा ही बुरा नहीं कर रहा है। सैम, ये सैम था? बेचारा मामू वाट लग गई लिए, इस बार तो शाने ने हद ही कर दी। वो क्या है, ये उसी की कैप है ना? ये कैप तो सैम, हाँ ये सैम की कैप है। मतलब इसके पीछे वो है, पर उसने ऐसा क्यों किया? अब मैं ये और नहीं झेल सकता। बदमाशों ने सनी को डराकर सैम को दोषी ठहराया, लकी उनकी बातों में आ गया और सैम से दुश्मनी कर बैठा। सैम तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कह रहे हो? तुम क्यों मेरे सनी के पीछे पड़े हो? हाँ तुम्हें मेरी कैब मिल गई, कहाँ थी ये? बेशर्म लड़के, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? अरे लकी क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे परेशान कर लो, पर सनी के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ क्यों? लेकिन मैंने किया क्या है? तुम घटिया इंसान, कब तक मासूम बनते रहोगे? सनी हमला करो अभी। सनी हमला करते रहो, आक्रमण। इवान हमला नहीं, रुक जाओ। सनी सैम तुम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रुको लकी। इसके बाद लकी को दूसरे स्कूल भेज दिया, फिर वो अचानक से एक लीग में दिखाई दिया और पहले से ज्यादा ताकतवर, वो बिल्कुल बदल गया है। वो बदमाश लड़के सैम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसे दोषी ठहराया क्यों? तुम्हें ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए, एक बार मैच से पहले उससे बात करके देखो। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वो मेरी नहीं सुनता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो बेवजह तुम्हें दोष देता है, तुम फिक्र मत करो। ये रहा आपका पिज्जा। लाजवाब। अरे इतने कितने हाथ है तुम्हारे? दोस्तों तुम लोग कुछ लेते क्यों नहीं? सनी तुम्हें बहुत बुरा और लाचार लग रहा होगा। क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, सही कहा ना? शक्ति? मतलब शक्ति होने से मैं अपना बदला ले सकूंगा? बिल्कुल सही, अगर तुम्हें बदला लेना है तो ये लो। अब तुम्हारी वॉचकार का नई शक्तियों के साथ जन्म हुआ है, इसका नाम है फ्रोन, शक्तिशाली फ्रोन। नहीं मुझे जाने दो प्लीज। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, प्लीज उसे छोड़ दो। तेरा दोस्त क्या? इसीलिए तो हम उसकी इतनी खिदमत कर रहे हैं बेटा। ये सब कहीं और जाके करना, उसे जाने दो, तुम अब भी नहीं सुधरे। लगता तुम ऐसे नहीं मानने वाले। ये कौन है बे?
ऐसा लग रहा है तेरे को कहीं देखा है अपुन। ये क्या तुम वो लकी हो? तुम थोड़े बदल गए हो यार, ये बालों को क्या हुआ लकी? चल टाइम खोटी नहीं करते हैं, क्यों ना पहले तेरे को मारता हूँ फिर बात करता हूँ। अरे मेरे को जाने दे। ए शाने, तेरी तो वाट लगाएगा अपुन। अगली बार सामने आया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफ लड़कों, तुम जिस लकी को जानते थे अब वो नहीं रहा। जिस जिसने मुझे परेशान किया अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। एवान, तुम्हें उस कोने से बाएं मुड़ना था। चलो फिर से करते हैं। आज सैम का जन्मदिन है पर वो काफी गंभीर लग रहा है। उसका जन्मदिन और लियो के साथ मैच एक ही दिन हो गया है, क्या करें? ऐसे में उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। दोस्तों इधर आओ। आ गया, वो आ गया। सैम यहीं आ रहा है, वो भी अभी। बहुत अच्छे, जब सैम यहाँ आएगा उसके चेहरे पर ये केक फेंक देंगे। इससे वो जल्दी खुश हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे सैम। अरे ये तो सिड है। ये क्या हुआ? मैं यहाँ छुप जाती हूँ और जब सैम बॉक्स खोलेगा, तड़ा! बहुत सही, शानदार। देखो वो आ रहा है। सैम को जरूर आश्चर्य होगा, है ना? आयशा बाहर क्यों नहीं आ रही है वीर? ये क्या हो रहा है? क्या सही समय आ गया है? ये तो गलत हो रहा है। आयशा, जन्मदिन मुबारक हो सैम। ये क्या हो रहा है? आयशा, 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 ये तीनों कर क्या रहे हैं? मैंने स्नो चेन लगा दी है, अगर लकी बर्फीली सड़क बनाता है तो भी वन फिसलेगा नहीं। धन्यवाद, ये मैच में बहुत काम आएगा। ऐसा मत कहो, तुम्हारे लिए कुछ भी। लेकिन सैम, लकी अब बहुत ताकतवर हो गया है, वो लीग में एक भी बार नहीं हारा है। हाँ पता है। लगन से जुटे रहना और बाजी जीत जाना, कैसा लगा ये? हाँ हाँ बिल्कुल, लकी को अब पुरानी बातें भूलनी होगी। ये शायद सही मौका है गलत फहमियां मिटाने का। जोश से भरे इस मैदान में मैं बुलाता हूँ हमारा जाबाज खिलाड़ी एवान। बैटल मोड ऑन। अब वो वॉच कार जो किसी को भी बर्फ बना दे, एक अविश्वसनीय वॉच कार फ्रॉन। बैटल मोड ऑन। सैम थोड़ा डरा हुआ लग रहा है ना? हाँ सही कहा, अगर वो इसी तरह पुरानी बातें सोचता रहा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बर्फ का आंख से मुकाबला, मजा आएगा। ये तो कुछ भी नहीं है,
मैं चाहूँ तो उनको चुटकी में हरा दूँ। ये बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है, मुझे यकीन है, क्योंकि ये बर्फ और आग के बीच की लड़ाई है दोस्तों। क्या आग बर्फ को पिघला देगी या फिर बर्फ आग को जमा देगी? आप इस सत्र का सबसे बेहतरीन मैच देख रहे हैं, तैयार हो जाइए वो देखने के लिए जो आपने कभी नहीं देखा। दोस्तों दिल थाम के बैठिए। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है और आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे सैम। मुझे तुम्हारी गलत फहमियों से कोई मतलब नहीं, मैं बहुत ध्यान से खेलूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। युद्ध शुरू किया जाए। मैं तुम्हें अपने गुस्से की असली ताकत दिखाता हूँ। फ्रोन हमला करो। तुम्हें पता है ऐसा गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाएगा। स्टील कैनन बॉल आक्रमण। तुम्हें सच में लगता है इससे मेरा कुछ बिगड़ेगा? फ्रॉस्ट बीम आक्रमण। तुम बड़े कमजोर निकले, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बर्फ की असली ताकत। फ्रॉस्ट बीम आक्रमण। हाँ, इसमें इतनी ताकत कैसे? ये तो बिल्कुल बदल गया है। हाँ, फ्रोन अब वो पुराना कमजोर सनी नहीं रहा, ये अब बर्फीले तूफान का मास्टर है। फ्रोन क्रिस्टल लेजर आक्रमण। एवान अपना कमाल दिखाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ एवान। क्रिस्टल लेजर आक्रमण। एवान, हे भगवान, ये तो गजब है, एवान को तो जमा ही दिया। ओ सचमुच अद्भुत प्रदर्शन, एवान बर्फ में फंस गया है। एवान, हे भगवान, एवान तो पूरी तरह जम रहा है। तापमान ज्यादा गिरने की वजह से वो अपनी ताकत खो रहा है। अब ये हार जीत की बात नहीं है, अगर वो नहीं निकल पाया तो उसका एआई हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। दोस्तों एवान, तुम इससे निकल सकते हो, चलो कोशिश करो। कोई फायदा नहीं, वो उस बर्फीले पत्थर से नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं। एवान इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ सकता है, सारी शक्ति लगा दो। बॉडी हीटिंग शुरू। बर्फ से निकलने में कामयाब हो गया। क्या ये बर्फ से कैसे निकल गया? अब ठीक है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। स्टील कैनन बॉल आक्रमण। ये क्या कर रहे हो? हमला करो, चलो अभी हमला करो। सैम, ये मत समझो कि सब खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हें इवान की असली ताकत दिखाता हूँ। पावर कॉइन, पावर कॉइन फ्राई। आइसबोर्ड आक्रमण। फायरबर्ड आक्रमण।
सैम, आज तुमने मुझे सबक सिखा दिया है। मैं अब कभी बीते वक्त के बारे में नहीं सोचूंगा। लकी, तुम दिल से बहुत अच्छे हो। अब तुम पहले जैसे कमजोर बच्चे नहीं रहे। हाँ, मैं अब खुल के बहुत दोस्त बनाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हारा पहला दोस्त मैं बन सकता हूँ? क्यों नहीं मेरे दोस्त। अब इसे देखो। है ना ये कमाल का। ये शीना मुझे खेल के बीच में काम पर क्यों भेज रही है? ओ, हम बस जीत ही गए थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। धन्यवाद धन्यवाद। चल क्या रहा है? अब मैं आप सभी को एक जादुई डिब्बा दिखाने जा रहा हूँ, सब ध्यान से देखना। लेकिन इससे पहले मुझे जादू के लिए एक वॉच कार चाहिए होगी। ये लो मेरी कार, ले लो ये लो। हाँ, तुम्हारी वॉच कार चलेगी ये वाली। फिलहाल ये ऐसी दिख रही है ना? अब एक जादू होने वाला है, ध्यान से देखो। वाह, ये क्या है? ये आबरा का डाबरा, बदल जाओ। ये तो कमाल हो गया। बदल जाओ, बदल जाओ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये फिर पहले जैसा हो जाता है, जैसा आपने देखा है। है ना मजेदार? क्या कोई और फिर से देखना चाहता है? कौन देखेगा? मेरी कार, मुझे चुनो, मुझे। इसकी बहुत इच्छा है, मुझे दिख रहा है। तो ठीक है, इस नीली वॉच कार से कोशिश करते हैं। क्या हुआ, इसमें मजा आएगा, करके देखते हैं ना। चिंता मत करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा दोस्तों। और अब पहले से भी अच्छा जादू होने वाला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ओ आबरा का डाबरा, बदल जाओ अभी। पहले जैसा बना दो। और अब वक्त है पहले जैसा हो जाने का। हाँ? हाँ? ये वापस क्यों नहीं बदला? हे भगवान, अब क्या करें? मुझे याद नहीं आ रहा इसे पहले जैसा कैसे बनाना है। क्या, ये क्या कह रहे हो? अब बदल जाओ। ये सब क्या हुआ? ब्लूवेल, तुम कहाँ हो? ब्लूवेल, ब्लूवेल, किसी ने मेरे ब्लूवेल को चुरा लिया है, कोई मेरी मदद करो। ये क्या, ये तो एक मैप है। अगर तुम्हें ब्लूवेल चाहिए तो तुम्हें इस जगह आना होगा। हाँ, तो यहाँ पर है ब्लूवेल। ब्लूवेल, ब्लूवेल,
तुम कहाँ हो ब्लूविल? तुम चोर कहीं के? मेरा ब्लूविल वापस दो अभी के अभी। सोच लेना, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा ब्लूविल नहीं मिल जाता। मेरा ब्लूविल वापस दो अभी। ब्लूविल बिल्कुल ठीक है। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। नमस्ते जी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम टिया है। मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी वीर। क्या? मुझसे? लेकिन क्यों? तुम मुझे बहुत समय से पसंद थे, लेकिन मिलकर ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, मुझे पता है मैं मस्त हूँ। मैं इन बातों में नहीं आऊंगा। तो बताओ, ब्लूविल कहाँ है? ब्लूविल बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। यहाँ तक का सफर लंबा रहा होगा, है ना? पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। वाह! मैंने सब तुम्हारी पसंद का बनाया है, तुम सब खा सकते हो। स्वादिष्ट दिख रहा है, ये सब वाकई मुझे पसंद है। लेकिन पहले ये बताओ, ब्लूविल कहाँ है? जब तक मैं ब्लूविल से नहीं मिल लेता, एक कौर भी नहीं खाऊंगा। टालो मत। तुम सच में कुछ नहीं खाओगे? नहीं, मैं इनमें से कुछ नहीं खाऊंगा। शायद एक कौर और फिर। ठीक है, तुम बाद में ब्लूविल से मिल लेना। लो, चलो अब पहले खा लो। ओ वाह, ये बढ़िया है। और ये, और ये, ये भी बढ़िया है। पेट बहुत भर गया, अब मुझे ब्लूविल दिखा दो। बिल्कुल, पर मैं पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या है बताओ। वाह वाह, क्या ये बे है ना? वाह, ये वही शानदार वॉच कार है जिसने कितनी बार लीग जीती है ना? मुझे पता था तुम इसे पहचान लोगे। तुम चाहो तो इसे ले सकते हो वीर। क्या? सच में? सच कहूँ तो मैंने तुम्हें यहाँ आने को कहा क्योंकि मुझे तुमसे एक काम है। काम से बुलाया है? ये ब्लूविल के बारे में है, क्या मैं उसे कुछ दिन अपने पास रख सकती हूँ? दरअसल मेरी बहन ब्लूविल को बहुत पसंद करती है। क्या? बिल्कुल नहीं, ब्लूविल मेरा दोस्त है टिया। तुम बेई के साथ भी तो अच्छे दोस्त बन सकते हो, है ना? लेकिन ब्लूविल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अभी कोई फैसला नहीं लेना है, बेई के साथ कुछ वक्त बिताओ फिर बताओ। वाह, बे वाकई सबसे बढ़िया है, इसे देखकर पक्का सब जल जाएंगे। नील, 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 नील। हाँ, क्या ये वही शानदार वॉच कार बे है? हाँ, बे। वीर बे के साथ ये शानदार है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं वीर और बेई का मुकाबला नहीं कर सकता, वो पक्का जीत जाएंगे। नील तो पक्का हैरान रह जाएगा। हाँ बे, यहाँ आओ, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। ब्लूविल, तुमने एक भी ऊर्जा कैप्सूल नहीं खाया, तुम्हें भूख नहीं लगी? ब्लूविल, कुछ देर और इंतजार करो, तुम जल्दी ही वीर से मिलोगे। वीर, वीर, वीर।
मुझे तो वीर कहीं भी नहीं मिला। तुम्हें नहीं लगता उसके साथ कोई हादसा हुआ है? फिक्र मत करो शीना, ऐसा कुछ नहीं होगा। वीर, मैंने उसे जाने को क्यों कहा? हमारे वीर के साथ क्या होगा? क्या? ये सब क्या है? हाँ, मेरी खूबसूरत बीवी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये सारी परेशानी मेरी वजह से हुई है। हंगामा इसलिए है क्योंकि वीर कल से गायब है। वीर, ये वो मेरी तो दूसरी माइक ही ढूंढ रहा था। सब ठीक है, चिंता मत करो, चिंता की बात नहीं है। तुम जानते थे वीर कहाँ है और तुमने बताया तक नहीं? बिल्कुल, मुझे डॉक्टर खान का फोन आया था, उन्होंने कहा सब ठीक है। तो फिर तुमने जानते हुए भी मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, तुमने पूछा ही नहीं। तुम पूछ लेती तो सब ठीक हो जाता, उसे ढूंढने में तुम्हें कितनी परेशानी हुई। मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा। हाँ? हाँ, 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 हाँ। मैंने पूछा नहीं तो तुमने बताना जरूरी नहीं समझा? समझी? मुझे लगता है हमें कुछ बात करने की जरूरत है। हम यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। चुप रहो। बच्चों, तुमने वीर को ढूंढने में मेरी बहुत मदद की। सिद्ध, तुम मेरे साथ चलो। अब मुझे तुम्हारे सब हुनर दिखाओ बे। बढ़िया, अच्छा वहां घूमो। वाह, बहुत शानदार, ये बेहतरीन घुमाव था। हाँ, ब्लू विल, बे, चलो कूदने का अभ्यास करते हैं। ब्लू विल, ये क्या हो रहा है मुझे? बे वाकई में शानदार है, पर मैं ब्लू विल के साथ ऐसा नहीं कर सकता।